हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा डॉट 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और प्यार दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि कल से मेरी क्लास, कल से यानी कल से जो है मेरी जो क्लास होगी, कल से गाइस 11 AM पे आपकी क्लास होगी, याद रखिएगा। और गाइस 11 AM पर गाइस यहाँ पर GS GK और स्टैटिक GA ये पूरा सेक्शन मैं लेने जा रहा हूँ कल से, ठीक है। 11 AM पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ प्यार दोस्तों, कल सुबह 11 बजे से मेरे साथ जुड़िए। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चाहे आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी गाइस एज ए रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी वन डे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, कल से 11 बजे मेरे साथ जुड़िए सुबह मॉर्निंग में। और प्यार दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो 25 अगस्त कल है गाइस, कल 25 अगस्त है, और कल से गाइस 11 AM पर मॉर्निंग में मेरी क्लास होने जा रही है जबरदस्त तरीके से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए, जवाब दीजिए क्या होता है आपका। कह रहा है वैस मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बताइए भाई क्या होता है आपका। तेजी के साथ जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है जवाब दीजिए, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। अटेम्प्ट लीजिए गाइस, ये क्या हुआ, जवाब दो दोस्तों क्या उत्तर है आपका। वयस्क मानव कितनी हड्डियां होती हैं, तेजी से जवाब दीजिए दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों तेजी के साथ, क्या उत्तर है आपका। हाय गाइस, 206 होती हैं, अच्छा ठीक है, 206 होती है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 206 होती हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जवाब सही आ रहा है। मेरा क्यों नहीं चल रहा है गाइस, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्यों नहीं चल रहा है फ़ोन, जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो फ़ोन नहीं चल रहा है। 206 होती हैं, बिल्कुल सही, जवाब सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन करिए, भारत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, बताएं फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका। प्यार दोस्तों टाइम लीजिए तेजी के साथ, आपको आपका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है फ़ोन, पता नहीं क्यों। भारत में इंडियन डायमंड कह रहा है आपसे इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। अब आ गया, अब आ जाएगा, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, चले गाइस, अब आवाज़ अब आ गया, मेरे में भी आ गया, मुझे मेरे में मिल ही नहीं रहा था। चलिए, तो भारत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजकोट में, सूरत में है, अहमदाबाद में, वडोदरा में है, क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका तेजी के साथ। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, सूरत में, बिल्कुल सही, सूरत में स्थित है। और डायमंड किसका रूप है, तो कार्बन का रूप है, याद रखिएगा, कार्बन का रूप है क्या, डायमंड, याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे लंबी पूछा है दोस्तों, सबसे लंबी और सबसे मजबूत होती है, कह रहा कपाल, जांघ की हड्डी, टिबिया और रेडियस, जवाब देखो आपका, कह रहा है कार्नियम, फीमर, टिबिया और रेडियस में से क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, अटेम्प्ट लीजिए क्या उत्तर है आपका। शासन में ये भी जवाब दीजिए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा। प्यार दोस्तों सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो बिल्कुल सही, स्टेप्स होती है, याद रखिएगा, स्टेप्स जो होते हैं सबसे छोटी होती है। कहाँ की हड्डी है भाई, तो कान की हड्डी होती है, याद रखिएगा, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो बिल्कुल सही, जांघ की हड्डी, फीमर सबसे लंबी होती है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। और प्यार दोस्तों याद रखिए, कल मॉर्निंग में, कल से स्टूडियो से क्लास लूंगा दोस्तों, कल से स्टूडियो से क्लास लूंगा, और कल से मेरी क्लास 11 AM पे होगी, याद रखिएगा, कल से मॉर्निंग में मेरी क्लास होगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मॉर्निंग में गाइस, याद रखिएगा, मॉर्निंग में सुबह क्लास स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, कल से यानी 25 अगस्त से मेरा क्लास सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी कहां पर, तो गाइस स्टूडियो से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन रहा, कह रहा एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव, जवाब देखो आपका, एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, बताएं एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं, बताएं तेजी के साथ, गए जवाब दीजिए दोस्तों, 9 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, चौथे का क्या उत्तर दोस्तों, बताइए फटाफट गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, फटाफट गाइस, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, चौथे का सी इज द राइट आंसर, बिकॉज 3 होते हैं। और ऑक्टोपस की बात करें तो प्यार दोस्तों ये एनिमेलिया, याद रखिएगा, एनिमेलिया वर्ग का जीव है, कौन, ऐसे ऑक्टोपस, आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों।
प्यारे दोस्तों बिल्कुल गाइस सर क्लास डेली होती है क्या बताओ, बिल्कुल डेली होती है गाइस, बिल्कुल डेली होती है अमित तोमर भाई, डेली क्लास होती है बिल्कुल। लेकिन कल से जो मेरी क्लास होगी, कल से सुबह 11 बजे क्लास होगी, मॉर्निंग में कल से 11 बजे क्लास लूंगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं, सबसे पतली हड्डी का पूछा है। कह रहा है स्टेपस, शासन कह रहा मेलस, और शासन कह रहा इनकस, और शासन कह रहा फेबुला। जवाब देंगे आपका पांचवे का क्या उत्तर दोस्तों, बताइए पांचवे का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग। नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जवाब दें क्या उत्तर है आपका प्यार दोस्तों, टाइम दीजिए क्या उत्तर होगा आपको बताएं। स्टेप्स, शासन कह रहा मेलिस, शासन कह रहा इनकस, और शासन कह रहा फेबुला में से क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका, अटेम्प्ट लीजिए क्या उत्तर होगा आपका, जवाब सब लोग दीजिए दोस्तों तेजी के साथ। प्यारे दोस्तों टाइम लीजिए, महाकाल का बी आ रहा है, महाकाल का बी आ रहा है, पांचवे का बी, और साथ साथ में अमर भाई का डी आ रहा है, और प्रिंसेस का आ रहा है, प्रिंस का आंसर ए आ रहा है, और साथ साथ उत्तेज का आंसर आ रहा है भाई ए आ रहा है, और सबका ठीक है, मॉन्स्टर का आंसर बी। भाई बी कैसे दे रहे हो बेटा, बी कैसे जवाब दे सकते हो आप, बी कैसे दे रहे हो, सबसे पतले, यहाँ पे पतली हड्डी का मतलब है सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा है याद रखिएगा, स्मॉल की बात चल रही है, थिनेस की बात चल रही है, तो बेटा इसमें स्मॉल की बात चल रही है, याद रखिएगा मैं एक वर्ड जोड़ दे रहा हूँ, स्मॉल और मैं जोड़ दे रहा हूँ ठीक है, अगर मैं इसमें स्मॉल वर्ड जोड़ दूँ तो क्या जवाब दोगे। बिल्कुल दोस्तों स्टेप्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, स्टेप्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा बल और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, जवाब तो क्या आपका प्यार दोस्तों टाइम दीजिए, क्या आपका बल और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, जवाब दीजिए तेजी के साथ गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों क्या आपका बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए क्या होता है आपका तेजी से गाइस, जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए दोस्तों क्या होता है आपका, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिए क्या होता है आपका, अटेम्प्ट लीजिए क्या होता है आपका। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, वर्क है, पावर है, एनर्जी है एंड मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क पावर एनर्जी मोमेंटम, बल और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, काम पावर ऊर्जा और मोमेंटम, छठे का जवाब दीजिए क्या था आपका, सिक्स का जवाब दीजिए क्या था आपका, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, पावर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, पावर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नहीं बेटा मूवमेंट नहीं है, पावर इज द राइट आंसर, यानी कह रहा है यहां पर सीधे से बल और वेग के गुणनफल को सीधे सीधे गाइस कोई भी चीज लगेगा तो इसमें पावर की यूज होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों बी इज द राइट आंसर, नहीं बेटा डी नहीं है, बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा है आपसे सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है बताएं, तेजी के साथ गए जवाब दीजिए दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी प्यार दोस्तों टाइम लीजिए, नेम द स्मॉलेस्ट मसल्स इज, जवाब दो, कह रहा है आपसे गुटस मैक्सिमस, कह रहा है आपसे एंटागोनिस्ट, और साथ कह रहा है स्पेडियस, और साथ कह रहा है नॉन ऑफ द अबव, जवाब देंगे आपका प्यारे दोस्तों अटेम्प्ट लीजिए क्या उत्तर आपका, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपको बताएं, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम पूछा है आपसे प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए क्या उत्तर आपका, अटेम्प्ट लीजिए गाइस क्या उत्तर आपका, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम फटाफट जवाब दीजिए, गुटर मैक्सिमस और एंटागोनिस्ट और स्टेपेडियस और साथ नॉन ऑफ द अबव, सातवे का क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही स्टेपेडियस, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही स्टेपेडियस इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही। ये रहा दोस्तों ये रहा आपका स्टेपेडियस, देखिए ये रहा स्टेपेडियस, ये रहा आपका जो सबसे छोटी मसल्स होती है, देखिएगा ये रहा कान में सबसे छोटी मसल्स, आप देख सकते हैं चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं बताएं, कितने प्रकार के जोड़ होते हैं बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जवाब दो क्या आपका प्यारे दोस्तों टाइम लीजिए, और मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कल 25 अगस्त है, 25 अगस्त से मेरा लेक्चर मॉर्निंग में अब होगा, यानी सुबह गाइस याद रखिए सुबह अब लेक्चर होने जा रहा है, सुबह 11 बजे लेक्चर होगा दोस्तों, याद रखिए 11 AM पर गाइस, कल से मैं स्टूडियो से गाइस याद रखिएगा स्टूडियो से लाइव क्लास लेने वाला हूँ जबरदस्त तरीके से, और कल से जो क्लास होगी गाइस जीएस की क्लास होगी, साथ साथ में जीके की क्लास होगी, और साथ साथ में जीए की क्लास लेने जा रहा हूँ कल सुबह मॉर्निंग में गाइस जबरदस्त तरीके से, तो कल सुबह मॉर्निंग में जरूर क्लास लीजिएगा।
वेट कीजिए, तुरंत अभी वॉइस आ जाएगी मेरे दोस्त, तुरंत वॉइस आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, तुरंत अभी वॉइस आ जाएगी, घबराए नहीं, ठीक है, वेट। चलिए गाइस, अब बिल्कुल सही, कैचवा किसकी सहायता से लेता है, तो जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, फेफड़ा, कान, नाक और त्वचा में से क्या उत्तर है दोस्तों, बताइए जवाब दोस्तों। नौवे का क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों स्किन, बिल्कुल दोस्तों स्किन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, तुरंत अभी वॉइस आ जाएगी मेरे दोस्त, स्किन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है आपसे, कहां पर स्थित है, जवाब दीजिए अनिल प्रसाद, मोंटी पटेल और साथ साथ में गाइस प्रिया राजपूत गेमिंग और कामा, बताएंगे तो आपका, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल सॉइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, क्या उत्तर है दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, लखनऊ, जयपुर, पटना और हरियाणा में से क्या उत्तर होगा आपका, बताएं, कह रहा है सेंट्रल सॉइल सैनिटी रिसर्च सेंटर, सेंट्रल सॉइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, चार ऑप्शन आपके पास है, लखनऊ में है, जयपुर में है, पटना में, हरियाणा में, क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, हरियाणा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हरियाणा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अब प्यार दोस्तों जवाब बिल्कुल, अरविंद का आंसर डी आ रहा, देखिए प्रेम का आंसर सी गलत हो गया, और तेज का जयपुर गलत हो गया, और अरविंद कुमार का डी आ रहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों। प्यार दोस्तों इसकी स्थापना केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना याद रखिएगा 1969 में हुई थी, याद रखिएगा, और डायरेक्टर इसके राइट ऑन डॉक्टर पीसी शर्मा है, याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर पीसी शर्मा इसके डायरेक्टर हैं, और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा आपसे कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ सकता है, बताएं, क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, भाई पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये सीधे सीधे जवाब दो क्या उत्तर है आपका, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, कह रहा कौन सा पक्षी पीछे की ओर मुड़ सकता है, पीछे की ओर मुड़ सकता है, बताएं क्या होता है दोस्तों, फटाफट जवाब दोस्तों, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, कह रहा पीकॉक, शासन कह हैमिंग बर्ड, शासन कह रहा कार्डिनल बर्ड और शासन कह रहा क्रिम्सन सनबर्ड, प्यारे बच्चों जवाब दीजिए क्या होता है आपका। और रजत जी कुछ पूछ रहे हैं, रजत भाई कुछ भी पूछना हो मुझे टेलीग्राम पे कॉल कर लेना मेरे दोस्त, टेलीग्राम पे मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, एएसआरबी की सभी क्लासेस, एक बच्चा कह रहा है एएसआरबी की सभी क्लासेस का टाइम बता दीजिए, अमर राज जी मैं टाइम कैसे बता दूं भाई, अमर राज जी जाके आपने एडमिशन ले लिया है, अगर ले लिया तब तो ठीक है, 11वें का भी बिल्कुल सही, हैमिंग बर्ड बिल्कुल सही, हैमिंग बर्ड इज द राइट आंसर, अगर आपने एएसआरबी में एडमिशन ले लिया है तो आप अपना स्टडी प्लान चेक करें, स्टडी जड़त का नियम भी कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, कह रहा विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जवाब दीजिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों अटेम्प्ट लीजिए क्या उत्तर है आपका, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, और ये सभी बताएं, कल भी पूछा था ना, कल क्वेश्चन ये, कल भी मैंने आपसे पूछा था, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल ऑफ द दीज, जवाब देंगे आपका, अनिल प्रसाद जी जवाब दीजिए क्या उत्तर का भाई, देखिए यहाँ पर सोमन खान का ये आ रहा है, यहाँ पे करण भाई का ये आ रहा है, अरविंद का आंसर सी आ रहा है, दीक्षा सिंह का ये आ रहा है, और अनिल प्रसाद ने जवाब नहीं दिया, तो 12वें का उत्तर बिल्कुल सही, क्या होता है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, न्यूटन फर्स्ट लॉ, बिल्कुल सही, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 12वें का ए इज द राइट आंसर, ये देखिए ये रहा आपका, कह रहा कोई भी वस्तु जो है याद रखिएगा, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें आप फोर्स नहीं यूज कर सकते, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोशन इनर्सिया एंड An object will not change its motion unless acted on by an unbalanced force. याद रखिएगा, it's a very very most important. अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा आपसे ये रहा, दुनिया में किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दिमाग पूछा है, दुनिया में किस जानवर का सबसे बड़ा दिमाग, डॉल्फिन का होता है, ऑक्टोपस का होता है, ब्लू व्हेल का होता है, या स्पर्म व्हेल का होता है, जवाब देंगे तो आपका, सर आप मुझे तीन दिखाई दे रहे हैं, अरे भाई तीन कैसे मैं दिखाई दे सकता हूँ, एक ही दिखाई दूंगा भाई, सर इतनी पी ली है, अरे भाई कैसे, कितना पी लिया है, दारू वारू पी के आए हो, चलेगा, दुनिया में किस जानवर का दिमाग सबसे
बड़ा बनाइए, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, ब्लू वेल और साथ साथ में स्पन वेल बनाएं। फॉर गाइस, राहुल माह, राहुल सर इतनी पी ली है कि आप दो दिख रहे हैं। अच्छा, राहुल माहौर को नया कह रहे हैं भाई कि बहुत ज़्यादा पी पा कर आए हैं, कोई बात नहीं। अब पीने का पियन पीने से भी सेहत बनती है, थोड़ा सा पिया करो और ज़्यादा पियो, ज़्यादा सेहत बनेगी। विच एनिमल हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड, बताएं। तेरहवे का क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, स्पर्म वेल, बिल्कुल सही, स्पर्म वेल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। कमलेश कहाँ से? स्पर्म वेल, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही दोस्तों, आज कह रहे मेरा पहला दिन है, ठीक है। और प्रेम ठाकुर का डॉल्फिन गलत हो गया, और टेलीग्राम दे दीजिए, टेलीग्राम दे तो रहा है भाई, देखिए आपको पिंटू का आंसर ए आ रहा है, आदित्य पाल का ए आ रहा है, जबकि गलत हो गया। दुनिया में किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा? तो स्पर्म वेल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? कह रहा, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इन इंडिया, बताएं भाई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इन इंडिया, इंदौर, सूरत, नागपुर, नासिक में से क्या उत्तर होगा आपका? जवाब दीजिए दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका बताएं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछा है, और कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सही। यानी कपास की बात करें, कॉटन की बात करें तो याद रखिए सबसे ज्यादा कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो प्यार दोस्तों, जवाब यहाँ पे 14 का बिल्कुल सही, नागपुर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नागपुर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेड 1976, साथ साथ में डेट के आर क्रांति इसके एज ए डायरेक्टर है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेड। अच्छा भाई, यहाँ पे भाई इसका कुछ और है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ और चीजें हैं, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1976 और डायरेक्टर के आर क्रांति, ठीक है भाई, ये दोनों अलग अलग हो गया नोट्स, इसमें मुझे लगता है कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा। कौन सा जानवर केवल यूकेलिप्टस के पत्ते ही खाता है और कुछ नहीं? जवाब दीजिए, क्या होता है आपका? कह रहा, विच एनिमल एक्सक्लूसिव ईट ओनली यूकेलिप्टस लीव्स एंड नथिंग एल्स, जवाब दो क्या आपका। महेंद्र बाबू स्वागत है आपका, महेंद्र जी कैसे हैं आप? कौन सा जानवर केवल यूकेलिप्टस के पत्ते ही खाता है, कुछ नहीं? जवाब दीजिए, क्या होता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों टाइम दीजिए, क्या होता है आपका? यूकेलिप्टस के पत्ते ही खाता है, जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, तेजी के साथ गाइस, तेजी के साथ। और प्यार दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि 25 अगस्त से, यानी कल से, कल से गाइस, कल मॉर्निंग में, कल से 11 AM पे क्लास होगी, अब आपकी 11 AM पे क्लास लूंगा, जबरदस्त तरीके से गाइस, जबरदस्त तरीके से। अब कल से मेरी क्लास का टाइमिंग 11 AM होगा, याद रखिएगा, 11 बजे से कल आपकी क्लास लूंगा। बताओ क्या आपका? 15वें का क्या दोस्तों बताइए? फॉर गाइस, कह रहा कोला, और साथ कह रहा ग्रेटर ग्लाइडर, कॉमन वॉम्बैट, और साथ में कह रहा कंगारू। 15वें का जवाब दीजिए, क्या होता है आपका? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, कोला इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये देखिए, ये रहा जानवर, कितना स्वीट है, कितना सुंदर है, कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा, सीधे सीधे गाइस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और सीधे सीधे यूकेलिप्टस के पौधे की पत्तियां खा करके अपना जीवन जी रहा है ये, ठीक है। कितना स्वीट, कितना क्यूट और कितना सुंदर ये प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की आपका पूछा है, यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, वेबर और लक्स, जवाब दो। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है, एंगस्ट्रॉम है, वेबर है, लक्स है, क्या होता है दोस्तों बताइए, जवाब दो दोस्तों। 16वें का क्या उत्तर है आपका बताइए? फॉर गाइस, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46, याद रखिएगा, इंटो 10^15 मीटर, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्त, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कह रहा है एक शेर की आयु का निर्धारण उसके द्वारा किया जाता है, कोई मान लीजिए लॉयन है, इसकी आयु का निर्धारण करना हो तो कौन बताएगा? बताओ क्या आपका? द एज ऑफ लायन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स कलर ऑफ नोज, लेंथ ऑफ टेल, लेंथ ऑफ नेल्स, कलर ऑफ इट्स हेयर, जवाब दो क्या आपका? फरगाइस, दीपा सिंह जवाब दे, राजपूत गेमिंग जवाब दीजिए भाई, गोविंद, गोविंद भाई क्या उत्तर है आपका? और फरगाइस, अभिषेक विश्वकर्मा जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? मोनिका जी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? आज 11 सोने वाली थी ना क्लास, नहीं आज से नहीं है, कल से है, कल 25 अगस्त से बेटा, कल से है, 25 अगस्त से है, 25 अगस्त से 11 AM पे क्लास होगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी क्लास का टाइमिंग चेंज, सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है।
तो बताएं 17वें का क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कलर ऑफ नोज, बिल्कुल सही, कलर ऑफ नोज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखिए राजपूत गेमिंग का बिल्कुल सही आ रहा है, महाकाल का बिल्कुल सही आ रहा है, अनिल प्रसाद का कलर ऑफ नोज बिल्कुल सही आ रहा है, अनिल प्रसाद का कलर ऑफ नोज, और आनंद का आंसर SI, और अविनाश रॉय का सी गलत हो गया, और शास्त्र महाकाल का ए बिल्कुल सही है, और दीक्षा सिंह का सी गलत हो गया, और साथ साथ में उत्तेज का आंसर बिल्कुल सही है। भारत में सेंट्रल शिपिंग ब्रीडिंग फॉर्म, सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ पर स्थित है? कह रहा वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फॉर्म इन इंडिया? जवाब दो मनसा, सहारनपुर, और शासन कुरुक्षेत्र, और हिसार। जवाब दो क्या उत्तर है आपका, बताएं। कह रहा सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ पर स्थित है, बताएं। कह रहा मनसा सहारनपुर में है, कुरुक्षेत्र में है, और हिसार में है। जवाब दें क्या उत्तर दोस्तों, प्यारे दोस्तों अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं, सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों 18वीं की बात करें तो 18वीं का डी बिल्कुल सही, हिसार में, बिल्कुल सही हिसार में लोकेटेड, बिल्कुल दोस्तों महाकाल का डी आ गया, पिंटू कुमार का सी गलत हो गया, और मोनिका का आंसर डी बिल्कुल सही है। बहुत सही बेटा, बहुत सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम बताइए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था आपकी बार कि भाई बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथारा टाइग्रेस का बेटे, पैंथारा टाइग्रेस एमोएसिस, पैंथारा टाइग्रेस अल्टाइका, पैंथारा टाइग्रेस और टाइग्रेस। जवाब देंगे आप क्या उत्तर आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का आपका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तेजी के साथ गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, चारों में से जवाब दीजिए गाइस। गौरव कुमार का हिसार, अच्छा ठीक है भाई, महाकाल का डी, अच्छा ठीक है सर, आपकी क्लास का PDF नहीं मिलता है। अमन राज जी ठीक है, कल से मिलेगा। कल्याणी का आंसर डी आ रहा है, और करण का आंसर कर्मा, ये करना क्या नाम था आपका, ये नया बच्चा है क्या, कर्ण का आंसर डी आ रहा है, और यहाँ पर रितेश का आंसर डी आ रहा है, गोविंद का आंसर डी आ रहा है, और विष्णु का आंसर डी आ रहा है। तो प्यार दोस्तों क्या होता है आपको 19वें का, बिल्कुल दोस्तों डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बहुत सही गाइस, अगला क्वेश्चन रहा, भारत में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया? चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है, कोल्लम में है, या कोच्चि में, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए भाई। कह रहा है केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? जवाब दे दो क्या उत्तर होगा आपका, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है, कोल्लम में है, कोचीन में है, क्या उत्तर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपको बताएं। सर आपका कमेंट देख रहे हैं, मेरा नहीं, अरे भाई अभिषेक जी सबका कमेंट देख रहा हूँ। जीसू दास का डी आ रहा है, लक्ष्मी का आंसर डी आ रहा है, और कर्ण का आंसर कोचीन आ रहा है, और सर्वेश का आंसर बी आ रहा है, और सूरज सोनकर का आंसर बी आ रहा है। तो प्यार दोस्तों 20वें का क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही कोचीन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कोचीन इज द राइट आंसर। अगला देखें यहाँ पर, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? तो गाइस ये कोचीन में, याद रखिएगा कहाँ पे दोस्तों, कोचीन में, याद रखिएगा केरल के शहर कोचीन में इसका लोकेशन है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, और एक गोपाल कृष्णा इसके एज ए डायरेक्टर के रूप में राइट नाउ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यार दोस्तों डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो प्यार दोस्तों केरल के शहर कोचीन में, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कह रहा नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बताओ भाई क्यों आपका। कह रहा कोलकाता, आगरा, हैदराबाद, मुंबई, जवाब दें क्यों आपका, प्यारे दोस्तों टाइम लीजिए तेजी के साथ, गाइस जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका, प्यारे दोस्तों टाइम लीजिए। समीक्षा मिश्रा कमेंट दिखाई दे रहा है बेटा, समीक्षा मिश्रा कमेंट आपका दिखाई दे रहा है, भारत में राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं फॉर गाइस, जवाब दो दोस्तों, कोलकाता में है, आगरा में, हैदराबाद में, मुंबई में है, जवाब दीजिए। मेहताब आलम, कल से स्टूडियो से क्लास लूंगा मेरे दोस्त, कल मेरी हाइट देख लेना कितनी हाइट है, ठीक है। तो पहले जवाब दो 21वें का क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल दोस्तों हैदराबाद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। किसकी राजधानी? तेलंगाना, याद रखिएगा तेलंगाना की राजधानी क्या, हैदराबाद, ठीक है, जहां पर राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहां पर स्थित है, बताएं फॉर गाइस। कह रहा है वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया,
जवाब दो क्या उत्तर है आपका। कह रहा वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया, जवाब दीजिए क्या उत्तर आपका। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में से क्या उत्तर होगा आपको बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में से क्या उत्तर है दोस्तों बताइए। और प्यारे बच्चों मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं, भाई अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो मेरे दोस्तों, लाइक कर दो तेजी के साथ। और प्यारे दोस्तों एक बार मिलकर के शेयर कर दो तेजी के साथ, शेयर कर दीजिए दोस्तों तेजी के साथ शेयर कर दीजिए। हाइट, अरे हाइट से क्या मतलब है। क्वेश्चन 22वें का जवाब दो क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल दोस्तों उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है। सीधे सीधे आज क्वेश्चन गाइस, हम यहां पर सीधे सीधे गाइस जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इससे मैं आज क्वेश्चन सेट करके लाया हूं ताकि आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन हो सके। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया, जवाब दो क्या आपका। भारत में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, भोपाल, पटना, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, क्या होता है दोस्तों बताइए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है, भोपाल में है, पटना में है, कोलकाता में है और विशाखापट्टनम में है, क्या होता है दोस्तों बताइए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है, देखते कौन जवाब देता है। 23वें का जवाब दो, 23वें का क्या उत्तर है आपका। बोल दो दोस्तों बिल्कुल सही, भोपाल में लोकेटेड है। बिल्कुल सही, भोपाल में लोकेटेड है। और भोपाल किसकी राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी, याद रखिएगा। और इसी मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहते हैं, याद रखिएगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती भी होती है, याद रखिएगा। सोयाबीन की खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो यहीं मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल सही। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। वेयर इज लोकेटेड डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी इन इंडिया, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। बताएं भाई क्या उत्तर है आपका, तेजी के साथ जवाब दीजिए दोस्तों। प्यार दोस्तों अटैम्प्ट लीजिए क्या उत्तर है आपका। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी इन इंडिया, क्या नासिक, पुणे, कानपुर, कोयम्बटूर, 24वें का क्या उत्तर होगा आपका बताएं। फरोग आई जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आपका फरोग आई जवाब दीजिए दोस्तों। और पटेल का आंसर भोपाल सही था, ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है। समीक्षा का हार्ट, ठीक है हार्ट प्रदेश, ठीक है। और पटेल मोटल, अरे भाई पटेल मोटल का भोपाल, ठीक है भाई। अब 24वें पे आ जाइए आप। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, पुणे इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, पुणे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, यानी कि डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहाँ पर, तो पुणे में याद रखिएगा। और पुणे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ और शासन में मंगलुरु और पुणे और कोलकाता में से क्या होगा दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, लखनऊ में है, मंगलुरु में है, पुणे में है और कोलकाता में है, जवाब दो। यहाँ पर वीरेंद्र का आंसर ए आ रहा है, गौरव का आंसर 24वें का बी आ रहा है, और अमोल का आंसर बी आ रहा है, कमलेश का आंसर पुणे आ रहा है, और महाकाल का लाडला का ए आ रहा है। और प्रयास करो दोस्तों, और प्रयास करो तेजी के साथ। अमर राज का ए आ रहा है, और कर्ण का आंसर लखनऊ आ रहा है, और गौरव का आंसर ए आ रहा है। तो भाई 25वें का ए बिल्कुल सही है, लखनऊ इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है बताएं। कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए पूछा है, बताओ। 26वां जवाब दो क्या उत्तर है आपका, तेजी के साथ जवाब दीजिए दोस्तों। कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए एसआई यूनिट, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही। जूल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, जूल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। वाट की बात करें तो भाई पावर की यूनिट है, याद रखिएगा। पावर की यूनिट क्या है, तो ऐसे वाट है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ साथ में फेराड की बात करें तो भाई याद रखिएगा कैप्सिटेंस, याद रखिएगा। बिल्कुल से कैप्सिटेंस की यूनिट है। और ओम की बात करें तो बिल्कुल से दोस्तों रेसिस्टेंस, याद रखिएगा। बिल्कुल से रेसिस्टेंस, याद रखिएगा, रेसिस्टेंस की यूनिट है। बिल्कुल सही, ओम, ठीक है। तो प्यार दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चार्ल्स का नियम किस पर आधारित है। चार्ल्स का नियम पूछा है आपसे, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे। कह रहा चार्ल्स लॉ इज बेस्ड ऑन, चार्ल्स लॉ इज बेस्ड ऑन, जवाब दो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन ऑफ द अबव, जवाब दीजिए दोस्तों। और राजपूत गेमिंग का झूला आ रहा था, ठीक है भाई। बलिया जिले का नाम सुने हैं, अरे मेहताब आलम बलिया जिले का नाम सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं। और क्षत्रिय कुंदन सिंह का झूला आ रहा है, और अंकित पटेल का ए आ रहा है, और प्रिंस पटेल का आंसर ए आ रहा है, और साथ साथ में कमलेश का आंसर जवाब नहीं आया। चार्ल्स का नियम पूछा 27वें का, बिल्कुल दोस्तों गैस से संबंधित, बिल्कुल सही। गैस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन रहा, कह रहा एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज कॉल्ड, ठीक से जवाब देना। एक परमाणु जिसमें प्रोटॉन से अधिक
न्यूट्रॉन होते कहलाते हैं। एक परमाणु जिसमें प्रोटॉन से अधिक न्यूट्रॉन होते हैं कहलाते हैं। बताओ क्या था आपका, कह रहा यौगिक यानी कि कह रहा यौगिक यानी कंपाउंड एलिमेंट आइसोटॉप और साथ साथ नॉन ऑफ द अबव। जवाब देखो आपका प्यारे दोस्तों टाइम लीजिए, एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज कॉल्ड। क्या होता है दोस्तों बताइए तरीके के साथ, क्या आंसर होगा आपका 28वें का। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, आइसोटॉप बिल्कुल सही, आइसोटॉप इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही। कह रहा है भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द से आया, भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द से आया, बताएं क्या होता है बताइए। कह रहा द वर्ड्स फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कह रहा फिजिक्स और साथ में कह रहा फ्यूसिस और साथ कह रहा फूसिको और साथ में कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, भाई फिजिक्स जो शब्द है वो कौन से शब्द से आया। 29वें का जवाब दो क्या उत्तर आपका, बिल्कुल दोस्तों फ्यूसिस, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, फ्यूसिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों। अगला कह रहा है समुद्र पर ज्वार की लहरें मुख्य रूप से किसके कारण से आती हैं, ज्वार की लहरें का मुख्य कारण पूछा है आपसे। द टाइडल वेव्स ऑन सी इज मेनली ड्यू टू, बताएं पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 30वें का क्या उत्तर होगा आपको बताएं तेजी के साथ जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर है आपका। द टाइडल वेव्स ऑन सी इज मेनली ड्यू टू, क्या उत्तर बताइए जवाब दो दोस्तों। हेमंत का आंसर फ्यूसिस था, ठीक है। भावेश का आंसर डी आ रहा है और सुरेश का आंसर बी आ रहा है। भावना जी का आंसर सी आ रहा है। भावना जी कल से पता है ना कल क्लास कितने बजे है, भावना बेटा कल से मेरी क्लास 11 बजे होगी, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑन मून ऑन द अर्थ, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा गाइस, कह रहा आपसे 31वां, कैपलर के तीन प्रसिद्ध नियम संबंधित हैं, कैपलर का तीं प्रसिद्ध नियम संबंधित है, बताएं। कह रहा थ्री फेमस लॉ ऑफ कैपलर इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, स्पीड और ऑसिलेशन और शासन कह रहा प्लैनेटरी ऑफ मोशन, बताएं प्लैनेटरी ऑफ मोशन, ग्रहों की गति, दोलन गति और ऑप्टिक्स में से क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए क्या होता है आपका, प्रयास करो दोस्तों, फटाफट जवाब दे दोस्तों। कैपलर का तीन प्रसिद्ध नियम संबंधित है, जवाब दीजिए। द थ्री फेमस लॉ ऑफ कैपलर इज रिलेटेड टू, 31वें का क्या उत्तर आपका दोस्तों, बिल्कुल सही, प्लैनेटरी मोशन, बिल्कुल सही, ग्रहों की गति, बिल्कुल दोस्तों ग्रहों की गति के नियम का संबंध किससे, तो कैपलर से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबका जवाब लगभग सही आ रहा है गाइस, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। कनेक्ट में से कौन एक सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा है, सदिश राशि नहीं पूछा है, माई मिस्टेक, सदिश राशि नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी, कह रहा एक्सीलरेशन, डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट और इंपल्स, जवाब दो क्या उत्तर है आपका, अटैम्प लीजिए गाइस तेजी के साथ गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, तेजी के साथ गाइस फटाफट गाइस जवाब दीजिए। निकट में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, त्वरण, घनत, विस्थापन और आवेग। 32वें का क्या दोस्तों बताइए, 32वें का, बिल्कुल दोस्तों 32वें के आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, 32वें की बात करें तो डेंसिटी, बिल्कुल दोस्तों डेंसिटी, बिल्कुल सही, घनत्व इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल घनत्व डेंसिटी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है गाइस, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल अटैम्प्ट सही ले रहे हैं, बिल्कुल सही ले रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 मोबाइल द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, कह रहा फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3 मोबाइल, जवाब दो क्या होता है गाइस बताइए। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, फर्स्ट इनसेट, 33वें का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए तेजी के साथ। कर्ण भाई का डेंसिटी था, ठीक है, कर्ण का आंसर डेंसिटी था और उपेंद्र का आंसर बी था और राजपूत गेमिंग का डेंसिटी था, महाकाल का आंसर बी था, ठीक है, और भावना का आंसर आर्यभट्ट था, अच्छा ठीक है, समीक्षा का आंसर बी आ रहा, समीक्षा जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रोहिणी बिल्कुल सही, रोहिणी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भारत द्वारा वर्ष में लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट की लॉन्चिंग ईयर पूछी जा रही है आपसे। कह रहा आपसे इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन द ईयर, जवाब दो 1972, 1980, 1978, 1975 में से क्या उत्तर आपको बताएं तेजी के साथ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट द्वारा भारत द्वारा वर्ष में लॉन्च किया गया था 34वें का, तब दोस्तों 1975 में छोड़ा गया था, बिल्कुल सही 1975, बिल्कुल सही 1975 में छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पूछा है आपसे, बताओ क्या आपका।
हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सी वी रमन, विक्रम साराभाई, ए पी जे अब्दुल कलाम और सतीश धवन? बताओ क्या तो आपका? हेमंत का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और जीसू का आंसर सी आ रहा है, कमलेश का आंसर रोहिणी, ठीक था। अरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछ रहा हूँ। सुरेश का आंसर डी आ रहा है, जीसू का आंसर सी आ रहा है और साथ साथ में गौरव का आंसर डी आ रहा है और भावना का आंसर 1975 आ रहा है, ठीक है, और बीरबल का आंसर डी आ रहा है, ठीक है, और साथ साथ में दोस्तों प्रिया का आंसर बी आ रहा है। चलिए गाइस तो 35वें का बिल्कुल दोस्तों विक्रम साराभाई, बिल्कुल सही। विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, विक्रम साराभाई को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? जवाब तो क्या आपका? फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया क्या होता है? तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश और काकरापुर गुजरात। पहला दोस्तों 25 अगस्त से याद रखिए, 25 अगस्त से जब मेरी क्लास होगी, जीएस की क्लास होगी और जीके की क्लास स्टार्ट होने जा रही है कल से 11 बजे से, याद रखिएगा 11 एएम पे स्टार्ट होगी कल सुबह मॉर्निंग में, याद रखिएगा कल सुबह से क्लास स्टार्ट होने जा रही है गाइस, कल से 11 बजे याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सीधे सीधे गाइस जीएस पढ़ना है कल सुबह 11 बजे से हमारे साथ जुड़िएगा, याद रखिएगा कल से 11 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया 36वें का क्या होता है बताइए? ए बिल्कुल सही, तारापुर कब स्थापित हुआ था? 1969 याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में 1969 में तारापुर पहला भारत का परमाणु संयंत्र था, महाराष्ट्र में लोकेटेड, याद रखिएगा, ठीक है। राइट नाउ इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है, याद रखिएगा 1400 मेगावाट ये बिजली का उत्पादन कर रहा है, कौन? ऐसे तारापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, कह रहा है भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, जवाब दो भाई, क्या आपका? फटाक जवाब दीजिए दोस्तों, कह रहा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, सीरस, ध्रुव, कामनी और अप्सरा, क्या तो दोस्तों जवाब दीजिए भाई। भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर पूछा है, भारत में बना पहला परमाणु रिएक्टर साइरस था, ध्रुव था, कामनी था, अप्सरा था, क्या तो दोस्तों फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, जवाब दें 37वें का, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, अप्सरा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, अप्सरा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों 37वें का डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय स्थित है, बताएं इसरो का मुख्यालय पूछा है, इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, क्या तो बताए? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो बैंगलोर में, याद रखिएगा बिल्कुल सही, बैंगलोर में है, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही। 1969 में इसरो का फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो बैंगलोर में है, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किसी गुर्दे की बीमारी को वांछनीय माना जाता है, किसी गुर्दे की बीमारी को या किस गुर्दे की बीमारी को वांछनीय माना जाता है, बताएं? कह रहा विच किडनी डिसीज इज नॉन टू बी इनहेरिटेटेड, बताएं क्या होता है, बताइए? कह रहा अंतःचरण गुर्दे की बीमारी और प्रोटीन रोग और साथ साथ में ऑटो इम्यून किडनी रोग और साथ में कह रहा पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, जवाब तो क्या आपका? किसी गुर्दे की बीमारी को वांछनीय माना जाता है, वांछनीय पूछा है। 39वें का क्या होता है आपका? जवाब दो क्या होता है आपका फटाफट गाइस, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये किडनी के टिश्यू को नष्ट करता है, याद रखिएगा, ये किडनी के, याद रखिएगा, ये किडनी का टिश्यू को क्या करता है? किडनी के याद रखिए, किडनी का जो टिश्यू होता है, याद रखिएगा, इसको नष्ट करने का काम करता है, क्या करता है दोस्तों? तो नष्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है, नष्ट करने का काम करता है, कौन? यही पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ, सबसे पहले भारत का सुपर कंप्यूटर बताइए। फटाक गाइस, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नॉन एज सागा, परम, एका, परम युवा, क्या तो दोस्तों जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर का आपका? प्रयास करें दोस्तों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं, क्या तो गाइस बताइए? सागा परम है और एका शासन परम युवा है, बताएं। महाकाल का चलचित्र बी आ रहा था, ठीक है, और साथ साथ में गाइस हिमांशु का आंसर डी आ रहा था, ठीक है, प्रिया का आंसर बी आ रहा था, 40वें का जवाब नहीं आ रहा है, परम 8000 बिल्कुल से, परम 8000 बिल्कुल सही, परम 8000 बिल्कुल से भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा के निर्माता कौन थे? दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा के निर्माता कौन थे? देवी प्रसाद शेट्टी, सुभाष मुखोपाध्याय और प्रताप रेड्डी और नरेश नेत्रान, बताओ क्या आपका? जवाब दो दोस्तों, क्या तो आपको बताएं? फटाक जवाब दीजिए दोस्तों,
41वें का क्या उत्तर होगा आपको बताएं, फटाक जवाब दीजिए। और पहली बेबी की बात करें, पहली कौन थी, फर्स्ट, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का नाम था जॉय ब्राउन, याद रखिएगा, जॉय ब्राउन याद रखिएगा। पहली कौन थी, जॉय ब्राउन थी, याद रखिएगा। 1978 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और पहला दोस्तों 41वें क्या उत्तर दोस्तों बताइए, 41वें का 41 का क्या उत्तर है आपका दोस्तों, सुभाष मुखोपाध्याय, बिल्कुल सर दोस्तों, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, कह रहा है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी लोकेटेड, बताओ। प्यारे दोस्तों कल से 25 अगस्त से 25 अगस्त को याद रखिएगा, कल से मेरी क्लास सुबह 11 बजे होगी, 11 एएम पर, कल से मेरी क्लास 11 एएम पे स्टार्ट होगी जबरदस्त तरीके से। और कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएस और जीके पूरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, शासन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, सब कुछ स्टार्ट करूंगा कल से गाइस 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान 42वें का क्या दोस्तों, तो दोस्तों चेन्नई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, चेन्नई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सर दोस्तों, बिल्कुल सही, चेन्नई इज द राइट आंसर, प्रोसनजीत का डी था, बिल्कुल सर दोस्तों, प्रोसनजीत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय पूछा है आपसे, बताओ क्या होता है दोस्तों, बताइए क्या, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएटेड इज लोकेटेड इन द सिटी, जवाब दो क्या आपका प्यार दोस्तों, टाइम लीजिए, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई में से क्या होता है दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताएं तेजी से साथ गाइस, जवाब दीजिए क्या होता है दोस्तों, कोलकाता में है, मुंबई में है, पुणे में है और साथ साथ में चेन्नई में है, अरे जवाब तो दीजिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय पूछा है आपसे 43वें का, क्या होता है दोस्तों बताइए, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोलकाता में है, बिल्कुल सही, कोलकाता में है, बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहा है आपसे। मेडिकली स्पीकिंग विच टर्म रेफर्स टू द किडनी फंक्शंस, बताएं कह रहा है, चिकित्सीय रूप से कहें तो किडनी के कार्य को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, बताइए हेपेटिक, रेनल और डायलिसिस और साथ साथ में यूरिनरी, बताएं 44वें का क्या उत्तर होगा आपको, बताएं फटाक जवाब दीजिए दोस्तों, किडनी के कार्य को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, देखते हैं कौन जवाब देता है। और प्यार दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपने लाइक नहीं है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दीजिएगा, तेजी के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा इस, लाइक एंड शेयर करते चलेगा, लाइक एंड शेयर करते चलेगा, बिल्कुल दोस्तों, रेनल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, रेनल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। कलगित में से किसे लोकप्रिय रूप से लाफिंग गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कई बार पूछ चुका हूँ आपसे, कई बार पूछ चुका हूँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं करना, विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लाफिंग गैस पॉपुलरली, बताएं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन, जवाब देंगे आपका 45वें का क्या उत्तर होगा दोस्तों, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लाफिंग गैस पॉपुलरली, बताएं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन, 45वें का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या उत्तर आपको बताएं, 45वें नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए भाई क्या तो आपका फटाक जवाब दीजिए दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सबका मॉन्स्टर का आंसर यार आप नाइट्रिक ऑक्साइड, 45वें बी, मनीष का आंसर बी आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, उपेन का आंसर ए आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही 45वें का बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का नाम सुना है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का नाम बताएं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आर, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं 25 अगस्त से कल से, कल मॉर्निंग में, अब कल से 11 एएम पे मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, कल से जीएस का लेक्चर और जीके का लेक्चर गाइस कल से स्टार्ट होगा, कल 50 MCQ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 50 MCQ से, जिसमें आपका पूरा गाइस पूरा हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साइंस होगा और करंट अफेयर्स होगा, कल से स्टार्ट होगा गाइस, याद रखिएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या, बिल्कुल सही आयरन ओर है, बिल्कुल सही आयरन ओर है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से पीने के पानी में कौन सी अशुद्धियाँ बैम्बू स्पाइन विकार का कारण बनती हैं, बताएं कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज द बैम्बू स्पाइन डिसऑर्डर, जवाब दो क्या उत्तर है आपका, बताएं बैम्बू स्पाइन विकार का कारण बनती है, नाइट्राइट, फ्लोराइड्स, आर्सेनिक, सल्फाइड, 47वें का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें, बिल्कुल दोस्तों फ्लोराइड्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही फ्लोराइड्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही 47वें का बी इज द राइट आंसर।
खाना पकाने में गैस का प्रयोग करते हैं? खाना पकाने में यानी कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, बताओ कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, जवाब दीजिए कब आपका। खाना पकाने गैस में मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं मीथेन और इथेन, एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन, बताएं। 48वें का क्या उत्तर होगा आपको, बताएं तरीके के साथ जवाब दीजिए। खाना पकाने में कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखते कौन जवाब देता है। प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसे लाइक नहीं किया भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। और प्यार दोस्तों, अगर शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तेजी के साथ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, बिल्कुल दोस्तों, ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों। उत्तेज का आंसर क्या बात है भाई, उत्तेज भाई क्या खाते हो यार, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे आंसर बिल्कुल सटीक और सही आता, जबरदस्त गाइस, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रसायन को चीनी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बताएं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नॉन एज चाइनीज स्नो, चाइनीज स्नो, क्या चीनी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बताएं। चाइनीज कह रहा है चीनी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बताइए। फॉर गाइस, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, जवाब दो क्या आपका। प्यार दोस्तों, 49वें का तो पोटेशियम नाइट्रेट, बिल्कुल सही, पोटेशियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही। कनेक्ट में ऐसे कौन से कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग में है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताएं क्या आपका। 50वें का जवाब दीजिए क्या होता है आपका, एक एंटासिड के रूप में, टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक, सौंदर्य प्रसाधन में एक भराव के रूप में, उपरोक्त सभी। कह रहा है एज एन एंटासिड, अ माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, एज ए फिलर इन कॉस्मेटिक, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। और कल याद रखना, कल 25 अगस्त है, कल 25 अगस्त है, और कल से मेरी क्लास 11 बजे स्टार्ट होने जा रही है, तो बताइए भाई कल से कौन कौन आ रहा है, हैंड रेस करके बता दो कि कल सुबह कौन कौन आ रहा है, जल्दी से फटाफट तेजी के साथ हैंड रेस कर लो, कल सुबह मॉर्निंग में कौन कौन आ रहा है, मैं जरा एक बार देख तो लूँ कौन कौन है कल से जो सीधे क्लास लेने आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। और प्यार दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक, प्यार दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। तो प्यार दोस्तों, अब हमारी जो मुलाकात होगी, याद रखिएगा, अब जो हमारी आपसे मुलाकात होगी, याद रखिए दोस्तों, आपसे सीधे मुलाकात होगी गाइस, याद रखिएगा, कल सुबह मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आपसे मुलाकात होगी गाइस, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल का जो सेशन होगा जबरदस्त सेशन होगा, कल से नई क्लासेस स्टार्ट होगी बिल्कुल, और बिल्कुल गाइस नए तरीके से, नए डायमेंशन के साथ, नई एनर्जी के साथ, कल से गाइस, कल से मैं आपके साथ अब 11 बजे मॉर्निंग में जुड़ूंगा जबरदस्त तरीके से गाइस, ठीक है। तो आज के इतना काफी गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। कल अब मुलाकात करते हैं मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।